हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुतीक्षण कुमार पांडे एंड आई हैव टू टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन द समर ऑफ द ब्यूटिफुल हॉर्स. द समर ऑफ द ब्यूटिफुल हॉर्स रिटन बाई सैरोयन हु बिलोंग्ड फ्रॉम द ट्राइब कास्ट एंड ट्राइब्स नेम इज गारोलेनियन. Tribe's name is Garulanian from Armenia who had been immigrant in California, USA. Understood? This is second part. Come to the point. As you know that Saroyan means writer, author's cousin Murad had come the near of his window by riding a beautiful horse and tapping on his window. Then he got out from bed and see that his cousin Murad was standing to ride on a beautiful horse. Understood? I knew my cousin Murad. अब क्या होता है जब वो जो मुराद है, इनका जो चचेरा भाई है, वो घुड़सवारी से घोड़े का सवारी किए हुए आकर के घोड़े पर बैठा हुआ था, सुंदर घोड़े पर. और घोड़ा कहाँ पर लाया हुआ था, उसने घोड़े को ठीक इनके कमरे के बाहर, खिड़की के बाहर आता और थपथपाता है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया. और थपथपाने के बाद जब इन्होंने देखा तो क्या उसने कहा कि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से बाहर आओ, ऐसा कुछ. ठीक है, तो हम आते हैं बात पर. अब सैरोयन क्या कह रहे हैं, आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं अपने भाई मुराद को जानता था. क्या? आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं अपने भाई मुराद को जानता था, जो आनंद लेता था बींग अलाइव, माने जीवित होने का, यानी जो जीवित होने का आनंद लेता था, जो जीवन का आनंद उठाता था. मोर माने अधिक, दैन माने की अपेक्षा, एनी बड़ी माने किसी ऐसे व्यक्ति से, हु हैड फॉलन इनटू द वर्ल्ड इवर, जो कभी संसार में गिर पड़े, बाई मिस्टेक माने गलती से, मतलब जो इस संसार में गलती से गिर पड़े अर्थात जो व्यक्ति इस संसार में गलती से कभी पैदा हो गए, उन व्यक्तियों में से एनीबडी किसी की अपेक्षा वह जीवन का आनंद अधिक लेता था, वह जीवन का आनंद उठाता था. मतलब ये हुआ कि उनके कहने का मतलब है कि इनका भाई मुराद भी एक ऐसे व्यक्तियों में से एक था जो कभी अनायास ही गलती से संसार में गिर पड़े अर्थात पैदा हो गए. तो इस प्रकार से वो ऐसे, इस प्रकार के जितने भी व्यक्ति थे, उन तमाम सारे व्यक्तियों में से सबसे अधिक यह जीवन का आनंद लेने वाला था. ऐसा आई न्यू माई कजिन मुराद, ऐसा मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था. ठीक है, ये सैरोन कह रहे हैं. बट दिस वॉज मोर देन इवन क्योंकि यह अधिक बड़ी बात थी देन इवन यहाँ तक कि आई कुड बिलीव, जिस पर मैं विश्वास कर सकता था, यानी जिस पर मैं विश्वास कर सकता था, यह उससे आगे की बात थी. क्या मतलब ये कि मैं उसके घोड़े पर सवार होने पर विश्वास नहीं कर पा रहा था. क्योंकि यह कहीं बड़ी बात थी उसकी अपेक्षा, जिस पर मैं विश्वास कर पाता कि इसके बस की बात है. ठीक है, बात समझ में आ गया होगा कि घोड़े पर सवार होना उसे देख करके इन्हें लगा कि ये तो अविश्वसनीय बात है, क्योंकि ये लोग इतना गरीब थे कि घोड़े पर सवार होने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे. ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने कहा किंतु यह अधिक बड़ी बात थी दैन इवन आई कुड बिलीव, यहाँ तक कि जिस पर मैं विश्वास कर सकता था उससे कहीं अधिक ये था, अर्थात कहीं अधिक बड़ी बात थी.
फिर क्या? इन द फर्स्ट प्लेस, एक और तो माई अर्लीस्ट मेमोरी, अब इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब एक और तो माई अर्लीस्ट मेमोरी, मेरी अर्लीस्ट माने होता है तात्कालिक, यानी सबसे पहली यानी प्राथमिक, मेरी सबसे प्राथमिक मेमोरीज माने यादें, हैड बीन माने रही हैं अर्थात थी, मेमोरीज माने यादें, आप हॉर्सेस माने घोड़ों की। एक और तो मेरी सबसे पहली यादें घोड़ों की यादें रही हैं, यानी मैं हमेशा घोड़ों के विषय में विचार करता था। एंड माई क्या है आगे, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और मेरी फर्स्ट माने पहली, लॉन्गिंग्स माने इच्छाएँ, और मेरी पहली इच्छाएँ हैड बीन माने रही हैं अर्थात थी, लॉन्गिंग्स टू राइड, घुड़सवारी करने की इच्छाएँ, और मेरी पहली इच्छाएँ घुड़सवारी करने की इच्छाएँ थी, यानी और मेरी पहली चाहत घुड़सवारी करने की चाहत थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, दिस माने यह वाद माने था, द वंडरफुल माने आश्चर्यजनक, या अद्भुत पार्ट माने भाग, यानी यह एक अद्भुत भाग था, अर्थात यह मेरे जीवन का एक आश्चर्यजनक पार्ट था, आश्चर्यजनक भाग था, कि मैं अपने भाई को एक घोड़े पर सवार हुआ देखा और मैं भी घोड़े पर सवारी की इच्छा कर सकता था, यह मेरे जीवन का अद्भुत भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी ओर, यहाँ इन द फर्स्ट प्लेस एक ओर और इन द सेकेंड प्लेस दूसरी ओर, इन द सेकेंड प्लेस दूसरी ओर वी वर पुअर, हम गरीब थे, हम कामना तो करते थे, हमारी इच्छाएं हमारी यादें तो थीं, हम इस पर सवारी करने की चाहत भी रखते थे, इच्छाएं भी रखते थे, किंतु दिस दूसरी ओर वी वर पुअर, हम गरीब लोग थे, किंतु दूसरी ओर हम गरीब लोग थे, दिस वॉज द पार्ट, यह एक ऐसी बात थी, दैट जो वुड नॉट परमिट मी, जो मुझे परमिट माने अनुमति देना, जो मुझे अनुमति नहीं दे पा रही थी, टू बिलीव माने विश्वास करने के लिए, व्हाट आई सा, जो कुछ भी मैंने देखा, यानी उसके घुड़सवारी करने को, उसे घुड़सवारी करता हुआ, यानी जो कुछ भी मैंने देखा उसे घुड़सवारी करता हुआ, इस पर विश्वास करने की मुझे अनुमति नहीं दे रही थी, क्या? दिस वॉज द पार्ट, यह एक ऐसी बात थी, जो वुड नॉट परमिट मी, जो मुझे अनुमति नहीं देती थी, टू बिलीव माने विश्वास करने के लिए, अर्थात जो मुझे विश्वास करने के, जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था, व्हाट आई से, जो कुछ भी मैं देख रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब लोग थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई धन नहीं था, वी हैड पुअर, हम गरीब लोग थे, वी हैड नो मनी, और हमारे पास बिल्कुल ही कोई धन नहीं था, आवर होल ट्राइब, हमारी होल ट्राइब यानी हमारी संपूर्ण जनजाति, कौन सी जनजाति, गारोलेनियन, समझ में आया ना, आवर होल ट्राइब, हमारी संपूर्ण जनजाति वाद माने थी, पावर्टी स्ट्राइकन, पावर्टी माने गरीबी से, स्ट्राइकन माने होता है पीड़ित या दंडित, हमारी संपूर्ण जो ट्राइब थी यानी जनजाति थी, वह वाज पावर्टी स्ट्राइकन, गरीबी से पीड़ित थी, इवन यहाँ तक कि ब्रांच ऑफ द गारोलेनियन फैमिली, यहाँ तक कि गारोलेनियन परिवार का, इवन नहीं एवरी है, एवरी ब्रांच ऑफ द गारोलेनियन फैमिली, गारोलेनियन परिवार का प्रत्येक भाग या प्रत्येक ब्रांच या कह दीजिए प्रत्येक सदस्य वाज लिविंग माने जी रहा था, इन द मोस्ट अमेजिंग, सबसे अधिक अद्भुत एंड कॉमिकल का मतलब होता है हास्यास्पद, पावर्टी माने होता है गरीबी, इन द वर्ल्ड माने संसार में, यानी गारोलेनियन परिवार का प्रत्येक ब्रांच, प्रत्येक सदस्य क्या, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी, सबसे इस संसार में सबसे अधिक अद्भुत और हास्यास्पद गरीबी में वाज लिविंग माने जीवन यापन कर रहा था, जी रहा था। Nobody could understand, कोई भी नहीं समझ सकता था, कोई भी नहीं जान सकता था, wherever
वेयर कि कहाँ, वी इवर गॉट मनी कि कहाँ, इवर माने कभी, कि कहाँ कभी, कि कभी हम कहाँ से धन प्राप्त करते हैं करते थे, इनफ माने पर्याप्त, टू कीप अस माने बनाए रखने के लिए, विद फूड माने भोजन से, इन आवर बेलीज माने अपने पेटों में, ठीक है ना। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि, इवन माने यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े लोगों भी नहीं जानते थे, यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े लोग भी नहीं समझ सकते थे, ठीक है ना। Nobody could understand, कोई भी नहीं समझ सकता था, और यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े लोग भी नहीं समझ सकते थे कि where we ever got money enough to keep us with food in our belly, कि हम अपने पेट में भोजन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन कभी कहाँ से प्राप्त करते थे, ये कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े लोग को भी नहीं पता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और हमारे से सबसे अधिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह थी कि वी वर फेमस, हम प्रसिद्ध थे, फॉर आवर ऑनेस्टी, अपने ईमानदारी के लिए, यद्यपि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहे थे, फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, तो फॉर समथिंग लाइक 11 centuries का मतलब होता है कि 11 centuries, लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए हैड बीन फेमस, प्रसिद्ध रहे, अर्थात प्रसिद्ध थे। इवन यहाँ तक कि व्हेन, जब वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली, यहाँ तक कि जब हम वेल्दीएस्ट फैमिली रहे थे, यानी यहाँ तक कि जब हम दुनिया के सबसे धनी परिवार होते थे, धनी परिवार रहे थे, यहाँ तक कि जब हम सबसे धनी परिवार रहे थे, तब भी इन व्हाट वी लाइक टू थिंक, जो कुछ भी हम सोचना पसंद करते थे, वाज द वर्ल्ड माने वह संसार था, अर्थात उस समय भी जो कुछ भी हम सोचना पसंद करते थे, यानी उन परिस्थितियों में, यानी अपने समृद्धि काल में भी जो कुछ भी हम सोचना पसंद करते थे, वह संसार था, अर्थात विश्व के विषय में ही हम सोचते थे। हम पहले स्वाभिमानी थे, ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदार, उसके बाद ईमानदार थे, यानी हम पहले स्वाभिमानी थे, यानी स्वाभिमान हमारे रगों में सबसे पहले था, ईमानदार बाद में, यानी उसके बाद ईमानदार था, यानी हम पहले स्वाभिमानी थे, फिर ईमानदार थे, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी बिलीव्ड, हम विश्वास करते थे, इन राइट और रॉन्ग, उसके बाद हम गलत और सही में विश्वास करते थे, और उसके बाद जिसमें हम विश्वास करते थे वह था गलत और सही, अर्थात और उसके बाद हम गलत और सही में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं वो टेक एडवांटेज, लाभ उठाता था, यानी फायदा उठाता था, आप एनी बड़ी माने किसी का भी, इन द वर्ल्ड माने संसार में, हम में से कोई भी, यानी हमारे गारलेनियन ट्राइब फैमिली था जो है, उन गारलेनियन ट्राइब फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस संसार में किसी भी व्यक्ति का फायदा उठाता हो, लेट अलोन स्टील,
अलोन माने अकेले, लेट माने दो, स्टील माने चोरी। चोरी को तो अकेले रहने दो, यानी चुराने की बात तो छोड़ ही दीजिए, यानी चोरी की बात तो छोड़ ही दीजिए, यानी चोरी की बात तो छोड़ ही दीजिए। हम में से इस संसार में हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी भी व्यक्ति का एडवांटेज तक लेता हो, फायदा भी लेता हो, यानी लाभ भी उठाता हो। कंसेक्वेंटली परिणाम स्वरूप, यानी क्रमिक रूप से, कंसेक्वेंटली क्रमिक रूप से परिणाम स्वरूप कह दीजिए या क्रमिक रूप से कह दीजिए, कंसेक्वेंटली परिणाम स्वरूप, इवन दो यद्यपि आई कुड सी द हार्स, परिणाम स्वरूप यहाँ परिणाम स्वरूप यद्यपि आई कुड सी द हार्स, मैं घोड़े को तो देख सकता था जो सो मैग्निफिसेंट, जो बहुत शानदार था। इवन दो यद्यपि आई कैन कुड, यद्यपि आई कुड स्मेल इट, यद्यपि मैं इट, यद्यपि मैं कुड स्मेल, यद्यपि मैं इट माने उसका या उसे, यद्यपि मैं उसकी उसके महक को भी सूंघ सकता था, अर्थात उसके खुशबू को भी प्राप्त कर सकता था, जो सो लवली, जो बहुत ही खुशबूदार था, जो बहुत ही सुंदर था। इवन दो यद्यपि आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यद्यपि मैं इट माने उसे अर्थात घोड़े को, ब्रीदिंग माने सांस लेते हुए, कुड हियर माने सुन सकता था, यद्यपि मैं उसे सांस लेते हुए भी सुन सकता था, जो सो एक्साइटिंग, जो बहुत ही उत्तेजनापूर्ण था, फिर भी आई कुड नॉट बिलीव द हार्स हैड एनीथिंग डू, फिर भी आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, द हार्स माने घोड़े को, हैड एनीथिंग माने किसी भी प्रकार से, हैड टू डू माने कि लेना देना था, विद माई कजिन मुराद, मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई मुराद से, फिर भी मैं यह विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरे भाई मुराद से एनीथिंग माने कुछ भी, द हार्स माने उस घोड़े का हैड टू डू माने लेना देना था, फिर भी मैं यह विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरे भाई मुराद से और विद मी अथवा मुझसे और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली अथवा हमारे परिवार के किसी दूसरे मेंबर से इस घोड़े का कुछ भी लेना देना था, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके विषय में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अस्लीप और अवेक, किसी भी हालत में अस्लीप और अवेक, ये एक फ्रेज है, और इसका मतलब होता है स्लीप और अवेक, किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार से, बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद, किसी भी हालत में मैं यह विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरे कजिन भाई मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद से या मुझसे या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्यों से इस घोड़े का एनीथिंग कुछ भी हैड टू डू माने लेना देना था, आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। अस्लीप और अवेक, किसी भी हालत में, बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद, क्योंकि मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था, जो कुड नॉट हैव बॉट द हार्स, बाई बॉट खरीदना, जो घोड़े को खरीद नहीं सकता था, बिकॉज, क्योंकि किसी भी हालत में, क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद, क्योंकि मैं अपने भाई, अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था, जो कुड नॉट हैव बॉट द हार्स, जो घोड़े को नहीं खरीद सकता था, एंड इफ, और यदि ही कुड हैव बॉट, और यदि ही कुड हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और यदि ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और यदि उसने, यानी मेरे भाई मुराद ने, कुड नॉट हैव बॉट इट, इसे नहीं चुराया था, और यदि उसने इट माने इसे अर्थात इस घोड़े को, कुड नॉट हैव बॉट, नहीं खरीद सकता था, अर्थात और यदि वह इसे अर्थात इस घोड़े को नहीं खरीद सकता था, तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो वह इसे अर्थात इस घोड़े को मस्ट हैव स्टोलन चुराया होगा, एंड आई रिफ्यूज्ड, और मैं मना कर दिया
टू बिलीव माने विश्वास करने से कि ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसे चुराया था, और मैं विश्वास करने पर रिफ्यूज करता था, अर्थात और मैं विश्वास नहीं करता था कि ही कुड स्टोलन, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसे चुराया था। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, नो मेंबर ऑफ द गारोलेनियन फैमिली, गारोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं, कुड बी माने हो सकता था, अथीप माने चोर, गारोलेनियन परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं, कुड बी अथीप माने चोर हो सकता था। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माय कजिन, मैंने स्टार्टेड माने शुरू किया, फर्स्ट माने पहले, एट माय कजिन माने अपने चचेरे भाई पर, यानी मैं अपने चचेरे भाई पर शुरू किया, एंड देन एट द हार्स, और फिर एट द हार्स माने घोड़े पर, यानी मैंने पहले अपने चचेरे भाई जिसका नाम मुराद था, और फिर घोड़े को घूरना शुरू किया, अर्थात घोड़े को घूरने लगा। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, पहले मैंने किसे घूरना शुरू किया अपने चचेरे भाई को, एंड देन, और फिर एट द हार्स, और फिर उस घोड़े को। तो यहाँ पर क्या है, आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हार्स, मैंने पहले अपने चचेरे भाई को और फिर उस घोड़े को निहारना, या कह दीजिए घूरना शुरू किया। देर वाज अ पायस स्टिलनेस, देर वाज अ पायस स्टिलनेस, पायस माने एक होता है शुभ, स्टिलनेस माने शांति, वाज माने था, एक पवित्र शांति था, एक शुभ शांति था, एंड ह्यूमर और विनोद था, इन ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक में, यानी मेरे चचेरे भाई मुराद और उस घोड़े, उनमें से प्रत्येक में क्या था, एक पवित्र शांति और विनोद था, व्हिच जो ऑन वन हैंड जो एक तरफ से तो मुझे डिलाइटेड माने आनंद किया था, जिसने एक ओर तो मुझे आनंदित किया, एंड द अदर, और दूसरी ओर फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर मुझे, मी माने मुझे, और दूसरी ओर मुझे फ्राइटेंड माने भयभीत किया। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हार्स, इस घोड़े को तुमने कहाँ से चुराया। मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हार्स, इस घोड़े को तुमने कहाँ से चुराया। तो क्या होता है, लीप आउट ऑफ विंडो, विंडो से बाहर कूद पड़ो, लीप आउट ऑफ विंडो, ही सेड, उसने कहा, लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कूदो, इफ You want to ride, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर कूद पड़ो, ही सेड, उसने कहा। इट वॉज ट्रू, यह सत्य था, यानी यह तो सत्य हो रहा था, देन माने फिर यह सत्य था कि ही हैड स्टोलन द हार्स, उसने इस घोड़े को चुराया था। फिर तो यह सत्य साबित हो रहा था, देन माने फिर तो यह सत्य साबित हो गया कि ही हैड स्टोलन द हार्स, उसने घोड़े को चुराया था। देर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं था। देर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस विषय में तो कोई सवाल ही नहीं था, अर्थात निसंदेह, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था कि उसने घोड़े को चुराया था। इट वाज ट्रू, यह सत्य प्रतीत होता था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, ही हैड कम माने वह आया था, टू इन्वाइट माने आमंत्रित करने, मी माने मुझे, टू राइड माने घुड़सवारी करने के लिए, और नॉट या नहीं, घुड़सवारी करने के लिए या नहीं, एज आई चूज, जो भी मैं चूज करूँ, अर्थात जो भी मेरी मर्जी हो, एज आई चूज, जो भी मैं चुनता, मतलब ये वह मुझे घुड़सवारी करने के लिए या ना करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया था, एज आई चूज, जो भी मैं चुनता, अर्थात जो भी मैं चुनता, घुड़सवारी करना चुनता या घुड़सवारी ना करने चुनता, वह मुझे आमंत्रित करने के लिए आया हुआ था। थैंक यू स्टूडेंट्स।